एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव बोलते थे पूरा देश सुनता था। संसद में उनकी बातों पर खूब ठहाके लगते थे। रैलियों में लालू का भाषण सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंचती थी। लेकिन अब खराब सेहत की वजह से लालू न ठीक से चल पाते हैं, न ठीक से बोल पाते हैं। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा के साथ पेशी में आए थे। लालू व्हीलचेयर पे थे और काफी गुमसुम लग रहे थे। जब लालू कोर्ट पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए, लेकिन लालू ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मीडिया बार बार लालू से सवाल करती जा रही थी, कुछ कहेंगे लालू जी? राबड़ी फौरन लालू के आगे आकर ढाल बनकर खड़ी हो गई, जैसे मानो कोई बॉडीगार्ड, और उन्होंने हाथों से इशारा करके लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कहा, चलिए चलिए आगे बढ़िए। ये कहते हुए लालू का व्हीलचेयर लेकर चल रहे गार्ड को उन्होंने आगे बढ़ने का इशारा किया, जैसे सड़क पर लगे जाम को खोलने के लिए ट्रैफिक पुलिस का जवान हाथ के साथ इशारा करते हुए गाड़ियों को आगे बढ़ने का संकेत देता है। कुछ वैसी ही भूमिका में राबड़ी देवी लालू यादव को सवालों के ट्रैफिक से बचाती दिखी।